15 अगस्त 1947, वो ऐतिहासिक दिन जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत ने आजादी पाई थी। 200 साल की ब्रिटिश गुलामी का कलंक मिट चुका था। तब से लेकर अब तक इन 77 सालों में हर साल आजादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा जिला है जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मनाया जाता। आप जानकर हैरान होंगे, आखिर ऐसा क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है, इससे जुड़ी वजह क्या है अगर ऐसा है तो। जब 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो इस जिले में 18 अगस्त को क्यों झंडा फहराया जाता है? जश्न आजादी के इस पर्व पर हम आपको बताएंगे इसके पीछे की असल वजह, लेकिन उसके लिए घड़ी के कांटे को 77 साल पीछे घुमाना पड़ेगा। ये बात है 12 अगस्त 1947 की। ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान हुआ कि भारत को आजादी मिल गई है, लेकिन आजादी की इस खुशी के साथ बंटवारे का भी दंश झेलना पड़ा। ऑल इंडिया रेडियो पर देश के दो टुकड़े होने का भी ऐलान हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे में पूर्वी पाकिस्तान का भी जिक्र था, जो आज का बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो रहा था। इसमें नादिया जिला भी शामिल था। रेडियो पर जैसे ही यह खबर प्रसारित हुई, हिंदू बाहुल्य वाले इस इलाके में बगावत शुरू हो गई, क्योंकि यहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कागज पर खिंची एक लकीर ने इनको भारत से जुदा कर दिया था। दरअसल ये एक बड़ी प्रशासनिक चूक का नतीजा भी था, क्योंकि जिस अधिकारी को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की सीमा रेखा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने गलत नक्शा बना दिया था, जिसके चलते नदिया जिला जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज ऑफिसर सर रेडक्लिफ था। इस तरह पश्चिम बंगाल के 5 तालुके या सब डिवीजन, कृष्णानगर सदर, मेहरपुर, कुश्तिया, चुआडांगा और राणाघाट पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर लिए गए। जैसे ही यह खबर आम जनता तक पहुंची, दंगे भड़क उठे। आक्रोशित भीड़ ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। यहां तक कि महिलाओं ने विरोध के चलते 2 दिन तक घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए। हिंसा की आग में जल रहे नदिया में सांप्रदायिक दंगों जैसे हालात बन गए थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो बंटवारे से बेहद खुश था। यही नहीं, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने समर्थकों के साथ कृष्णानगर पब्लिक लाइब्रेरी पर पाकिस्तान के झंडे तक फहरा दिए थे। साथ में मुस्लिम लीग की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए गए। इससे नादिया के हालात और ज्यादा दिन ब दिन बिगड़ने लगे। बिगड़ते हालात अब काबू से बाहर थे। जनता का विद्रोह इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। हुआ यूं कि नादिया जिले में विद्रोह की खबर जब देश के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची, तो उन्होंने रेडक्लिफ को तत्काल अपनी गलती सुधारने के आदेश दिए। माउंटबेटन के आदेश पर रेडक्लिफ के नक्शे में बदलाव किए गए। इस सुधार के बाद राणाघाट, कृष्णानगर और करीमपुर के शिकारपुर को भारत में शामिल कर लिया गया। हालांकि इस प्रक्रिया में 3 दिन का वक्त लग गया। सारी कानूनी प्रक्रिया 17 अगस्त की आधी रात तक पूरी हो पाई। तो यहां के लोगों ने 18 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया। कृष्णानगर लाइब्रेरी से पाकिस्तानी झंडा उतारकर तिरंगे को फहराया गया। इस तरह यहां तिरंगा फहराने की तारीख भी बदल गई, क्योंकि उस वक्त के कानून के मुताबिक राष्ट्रध्वज के सम्मान में आम नागरिक सिर्फ 23 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही झंडा फहरा सकते थे, लेकिन यहां के लोगों ने 18 अगस्त को झंडा फहरा दिया था, इसलिए 18 अगस्त को झंडा फहराने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। नादिया की आजादी हासिल करने के संघर्ष को यादगार बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। स्वतंत्रता सेनानी प्रमथनाथ शुक्ल के पोते अंजन शुक्ल ने 18 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने को चुनौती दे डाली। लंबी लड़ाई के बाद 1991 में केंद्र सरकार ने उन्हें 18 अगस्त को नदिया में झंडा फहराने की इजाजत दे दी। तब से हर साल नदिया जिले में 18 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है। यहां लोग पूरे धूमधाम से किसी त्योहार की तरह इस दिन को मनाते हैं। यहां झंडा रोहण भी इसी दिन किया जाता है।
आजादी के कई सालों बाद 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के झंडा फहराने की अनुमति मिल गई। और अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय ध्वज को शान से फहरा सकते हैं।